वंदे भारत ट्रेन की सेवा अब इंदौर से जयपुर, भीलवाड़ा और सूरत की ओर भी विस्तार पाएगी। इसके बाद इंदौर से जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, जो विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हो सकती है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कोचिंग विभाग को आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया है। ट्रेन की समय सारणी पश्चिम रेलवे के मुंबई और उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मुख्यालय में तैयार की जा रही है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत अब नए रंग रूप में आपके सामने आएगी। इस समय तक देश में चल रही वंदे भारत ट्रेनें सफेद और नीले रंग की हैं, लेकिन अब इसके रंग में परिवर्तन होगा। रेलवे की चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने नई 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को नारंगी, भगवा और ग्रे रंग में तैयार किया है। इसके साथ ही ट्रेन के लोगो में भी चीते का चिन्ह शामिल किया गया है। साथ ही इस नई वंदे भारत ट्रेन में करीब 25 बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी पहले ही दी गई थी। नारंगी रंग में तैयार की गई इस ट्रेन का प्रयोगी चलाने के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही रेलवे इसके प्रयोगन पर निर्णय लेगा। आने वाले समय में इसका लॉन्च नए रंग में किया जा सकता है।